तो गाइस अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 आ चुका है और भाई साहब आते ही उसने धमाल मचा दिया है। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कह दूँ, अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट एपिसोड सीजन 4 पार्ट 2 का तो आप जाके देख लो पहले, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स होंगे। देखो शो की स्टार्टिंग में ही हमें कुछ बहुत ही दुखद चीज़ देखने को मिल जाती है कि लीवाई एकरमैन की कैप्टन लीवाई इंजर्ड पड़ा हुआ है और जी के भाई साहब जो हैं वो जिंदा हैं, बचे हैं, मरे हुए नहीं हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो भाई साहब जिस मतलब जहाँ पे उस शो पिछली बार ख़त्म हुआ था वही सीन आने का मैं वेट कर रहा था कि वो वाला फाइट दिखाओ जल्दी से राइनर और एरन के बीच में, यानी कि आर्मर्ड टाइटन वर्सेस अटैक टाइटन स्लैश फाउंडिंग टाइटन स्लैश वॉर हैमर स्लैश। तो जब राइनर की एंट्री में सोच रहा था उसकी एंट्री थोड़ी और डायनेमिक हो सकती थी, मतलब जैसे वो सीधे जंप करता, मिड एयर ट्रांसफॉर्म करता टाइटन में और फिर वो लैंड करता तो यू नो धुआं डिस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होता, पर नहीं, उसने सिंपल पैराशूट से जंप करी और मिड एयर ही ट्रांसफॉर्म हुआ। उसके बाद फिर एरन को वो येलेना कहती है कि तुम डिसएडवांटेज पे हो, मत जाओ लड़ने, लेकिन एरन कहाँ सुनने वाला था, वो गया आगे जाता है और फिर फाइट करता है आर्मर टाइटन के साथ और पोर्को जॉ टाइटन है उसके साथ भी। तो वो दोनों वर्सेस एरन की फ़ाइट चली रही होती है कि तभी एकदम से एरन के सर पर आके लगता है कैनन, एरन के हेड पर हिट करता है, कहते हैं उसको गोला क्या, चलो जो भी कहते समझ गए ना। उसके बाद एरन गिर जाता है तो तभी वो लोग अटैक का मौका देखते हैं, लेकिन फिर वो कैसे जैसे वॉर हैमर की पावर यूज़ करके बच जाता है। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, बाद में हमें आर्मिन और मिकासा भी दिखते हैं जिसके लिए हम काफ़ी वेट कर रहे थे, और फिर वो कुछ बात कर रहे होते हैं अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। और मतलब एक चीज़ देखो कि एपिसोड जब पहला लॉन्च करते हैं एनीमे में, ज़्यादातर अगर एनीमे का आपने देखा हो, एक जनरल सी बात बताता हूँ कि अगर आपने एनीमे का कोई भी एपिसोड मतलब सीज़न जब पुराना छोड़ रखा हो, नया आने वाला हो, तो फर्स्ट एपिसोड में वो इंट्रोडक्शन देते हैं, थोड़ा पास्ट से दिखाते हैं, प्रेजेंट और मिक्स करके कुछ ऐसा रहता है, लेकिन हमें शो की स्टार्ट होते ही भाई धमाल लड़ाई वगैरह सब दिखा दिया है। और अगले एपिसोड में क्या होने वाला है मैं तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, खैर मैंने मांगा नहीं पढ़ी और ना ही मैं पढ़ना चाहता हूँ, और कमेंट सेक्शन में स्पॉयलर्स मत देना कोई। नेक्स्ट एपिसोड पे भी वीडियो बनाएंगे अगर अच्छा रहा एपिसोड तो, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं चला अब अगली वीडियो बनाने डीमन स्लेयर एपिसोड 6 के ऊपर, ओ भाई साहब चलो फिर वो वाली शूट करता हूँ वापस।